वित्त मंत्री सीतारमन ने आम बजट पेश कर दिया है, हमारे साथ मौजूद है होटा विधायक अमित मंडल जी। जानेंगे किस बजट को किस रूप में देख रहे हैं। जो बजट है आपने भी सुना, आपने भी जाना कि बजट को लेकर विपक्ष का भी हमला शुरू हो गया है, आप किस रूप में देख रहे हैं इस बजट? विपक्ष का एक रटा रटाया सा हमला आएगा कि ये बजट जहाँ भी दृष्टिकोण को देखते हुए ये बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, नहीं कोई चीज़ें नहीं है, तो ये उनका काम है वो करेंगे। लेकिन हम लोगों का काम है कि अच्छी चीज़ों को उल्लेख करना। ये बजट जो है ये कई दृष्टिकोण कई मायनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है। और जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार से जो विश्व की अर्थव्यवस्था चल रही है उस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। 6.8 के परसेंटेज से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग का ग्रोथ रेट है, तो उसमें यह दिखता है कि हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। इसमें हर एक सेक्टर्स को टच करने का काम किया गया, महिलाओं को लेकर आप देखेंगे किस प्रकार से स्कीम्स लाया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज़्यादा कर दिया गया ताकि वो ज़्यादा सेव करें, ज़्यादा कमा सकें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक फार्मिंग में भी यहाँ फोकस किया गया है। युवाओं के लिए स्किल सेंटर्स बनाने की बात कर रही है, एम्प्लॉयमेंट रेडी क्वालिफिकेशन देने की बात कर रही है। रेलवे में जो है बजट को काफ़ी बढ़ाया गया है, नए एयरपोर्ट 50 नए एयरपोर्ट्स खोलने की बात कर रही है। तो तरह तरह से जो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को टच किया गया, और जब चीज़ों को इस एंगल से टच किया गया तो उससे मैं ये साफ स्पष्ट से कह सकता हूँ कि ये बजट समाज के हर एक वर्ग को टच करेगा और उसका फ़ायदा हर एक लोगों को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बैलेंस्ड अच्छा और मजबूत बजट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच के ऊपर निश्चित है। चुनावी बजट भी रूप देखा जा रहा है या बोला जा रहा है? देखिए, आप कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एज ए मिडिल क्लास मुझे ये राहत मिला है कि मेरा जो टैक्स रेट रिबेट था वो 7 लाख कर दिया गया 5 लाख से। ये मेरे लिए अच्छा है, वो चुनावी हो या नहीं हो उसे से क्या फर्क पड़ता है, एक नॉर्मल इंसान की ये सोच होती है। अभी अगर आपको बेनिफिट अगर सरकार दे रही है तो इसका मतलब सरकार चाहती है कि मिडिल क्लास के लोगों को हम लोग टच करें, और इसी का ये परिणाम है कि 5 लाख से 7 लाख जो टैक्स ब्रैकेट है उसको कम कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी इसको चुनावी बजट के रूप में देखे, लेकिन आम जनता इसको चुनावी बजट के रूप में नहीं देखती है, उनको रिलीफ के तौर पर देखती है, और ऐसा करना मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी सराहनीय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से विधायक अमित मंडल जी, जिन्होंने कहा है कि बजट आम जनता को ध्यान पर रखकर पेश किया गया है और बेहतर बजट है। भले ही विपक्ष कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन ये आम जनता और मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक बेहतर कदम केंद्र सरकार ने उठाया। न्यूज वीक के लिए रांची से रवि शर्मा। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।